GTO 39 बैच का नोटिफिकेशन आ चुका है, कब इसका अप्लाई करना है, कैसे इसका रिटर्न टेस्ट है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे। और दोस्तों अभी के टाइम में सिक्योरिटी फील्ड में अगर आपको आना है, सिक्योरिटी मैनेजर आप बीए पास है, सिक्योरिटी मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, असाइनमेंट मैनेजर, ये सब पोस्ट आपको बड़े लेवल का मिल सकता है। और कैसे मिलेगा तो हम इसके बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको जॉब से रिलेटेड सिक्योरिटी और सेफ्टी फील्ड का इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत करते हैं दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम आपको जॉब से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी फील्ड का। दोस्तों अभी के टाइम में 39 बैच का इंतजार कई सारे लड़कों को था जो GTO में मेरे को अप्लाई करना है, जिसमें मैनेजर पोस्ट रैंक मिलता है, सुपरवाइजर से ऊपर का रैंक मिलते हैं, सैलरी भी अच्छा खासा रहता है जो कि CTC 27,000 27,500 से स्टार्टिंग हो जाता है, मतलब ऊपर ही मिलेगा ऐसे। अगर रैंक जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से सैलरी मिलता है। तो दोस्तों अभी के टाइम में मैंने कल ही 38 बैच का मिस्टर मिथिलेश कुमार का वीडियो मैंने बनाया था, इंटरव्यू लिया था, जो अच्छा खासा उसमें रिस्पांस मिला है। बहुत सारे लड़के इंटरेस्टेड है जो बीए पास है, उसको अच्छा से अच्छा रैंक मिल सकता है, पोस्ट मिल सकता है, वो उसका भी ज़बरदस्त। मैं बाकी नोटिफिकेशन यहाँ पे दे दूंगा, प्रोस्पेक्टस जो 39 बैच का नोटिफिकेशन कब कैसे क्या मिलेगा, और बाकी हमारे यूट्यूब के माध्यम से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगे, और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। और दोस्तों मैं GTO 38 बैच का कैंडिडेट का बात करूँ जो मिथिलेश कुमार है, उसका मैं नंबर नीचे में दे दूंगा, जहाँ पे आप उससे कोई टिप्स ले सकते हैं, कोई जानकारी लेना हो वो ले सकते हैं। 39 बैच में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी जानकारी बताएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे कि मेरे पास नोटिफिकेशन जो आ रखा है, यहाँ पे आपको 5 मई को रिटेन टेस्ट होने वाला है और दूसरा 26 मई को, और ये 2024 का है। अगर आपको इस बीच में अगर आप रिटेन टेस्ट देते हैं तो आपको जो है आगे का जो है फिजिकल होगा उसके भी आपको नोटिफिकेशन मोबाइल के द्वारा या मैसेज के द्वारा, मेल के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। इसमें बोले तो दोस्तों इसमें फैसिलिटी थोड़ा सा बता दो, तो बेनिफिट्स के बता दूँ, 27,500 CTC पर मंथ मिलेगा, उसके बाद में एम्प्लॉय PF मिलेगा, EPF, उसके बाद पेंशन, एनुअल इंक्रीजमेंट, और उसके बाद जो है बोनस, इंश्योरेंस, ग्रेजुटी, ये सब फैसिलिटी मिलने वाला है। मतलब बोले तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर GTO में दो बार ट्राई किया उसमें मेरे को एक बार भी नहीं हुआ, मेरे को GTS दे रहा था जो कि मैं ऑलरेडी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं लिया। और मेरा भी सपना था GTO का, लेकिन मेरा सब पूरा तो हुआ नहीं। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, 65 वर्ष रिटायरमेंट होता है, 65 वर्ष के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। अदर बेनिफिट्स का बात करें तो रैंक प्रमोशन होता है रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि आप अगर सिक्योरिटी ऑफिसर में आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आप सिक्योरिटी EM बन सकते हैं, असाइनमेंट मैनेजर, फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं, ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर बन सकते हैं। मतलब देखा जाए तो बहुत ही फैसिलिटी ज़बरदस्त होता है। दोस्तों अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसमें आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, अगर होता है तो बहुत अच्छी वाली बात है। और बाकी मिथिलेश जी का नंबर हम नीचे में दे देंगे, वहाँ पे आप जाकर के मिथिलेश जी से जो भी टिप्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, ताकि आपको A to Z GTO के बारे में हम बताएंगे, जो लास्ट ट्रेनिंग तक हम कोशिश करेंगे ट्रेनिंग सेंटर जाने का भी, जो 39 बैच का होगा, ये है गरबा झारखंड में पड़ेगा GTO का ट्रेनिंग सेंटर, तो वहाँ पे हम आपका भी मतलब वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे। तो बाकी अपडेट नंबर नीचे में, सिक्योरिटी गार्ड में भी अगर आपको जॉब चाहिए जो भी लड़के रहता है उसका नीचे में नंबर है, वहाँ पे आप कॉल करके कर सकते हो, और बाकी जो भी जानकारी लेना चाहते हो तो बिल्कुल मिलेगा आपको। तो दोस्तों इसके एग्जामिनेशन, इसमें डेट चेंज भी होते रहता है, तो वो भी मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। रिटेन टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू, ये सब सारे के सारे अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस सिक्योरिटी फील्ड में SIS में जितने भी इन्फॉर्मेशन मिले आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी मिथिलेश जी से नंबर लेकर के आप वहाँ से बात भी कर सकते हैं, नंबर नीचे में दिया हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।